से एक तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सपना चौधरी अब किसी परिचय की मोहताज है। जिस एक गाने को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया हो वो कितनी फेमस होंगी ये बताने की जरूरत नहीं। हरियाणा की पहचान सपना पूरे देश के सामने सबसे बड़े शो बिग बॉस की पार्टिसिपेंट है। 25 सितंबर 1990 को जन्मी सपना को लेकर ये कहा जाता रहा है कि वो रोहतक की हैं, लेकिन सही मायने में वो नजफगढ़ की हैं, जहां उनका परिवार रोहतक में रहता था। सपना के पिता एक प्राइवेट कंपनी में मामूली नौकरी करते थे। सपना रोहतक के मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी है। सपना ने 12 साल की ही उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उन्होंने अपने संघर्ष के दम पर परिवार को पाला था। दिल्ली और हरियाणा में उन्होंने स्टेज पर अपनी डांस और गायिका से काफी लोकप्रियता बटोरी है। बेहद कम उम्र में ही सपना ने स्टेज को अपनी जिंदगी का सपना बना लिया था। सपना चौधरी भले ही छोटे छोटे मंचों पर परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनके नाम पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। दिल्ली NCR समेत हरियाणा और UP के कई जिलों में सपना को काफी शोहरत हासिल है। हर उम्र के लोग उनके गानों पर दीवानों की तरह झूमते हैं। उनके पास भले ही बॉलीवुड जैसी शोहरत नहीं है, लेकिन लाखों दीवाने हैं। सपना के गानों में शरारत भरा जो डांस होता है उस पर लाखों युवा फिदा है। इसलिए सपना जब भी लाइव शो करती हैं तो मन से लेकर पंडाल के चारों तरफ लोग झूमते नजर आते हैं। लेकिन सपना की रागनी को लेकर शुरू विवाद इस मोड़ तक भी पहुंचेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सपना ने एक दिन सुसाइड की कोशिश की और इस सुसाइड के पीछे भी सपना की वही रागनी थी जिसके जरिए वो लोगों के सपनों में दखल दे रही थी। हालांकि बिग बॉस के शो में भी सपना ने अपनी ये गलती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद सपना और ज्यादा फेमस हो गई, उसके प्रोग्रामों की फीस बढ़ गई। ये कहा जाता है कि सपना अब रागनी के एक कार्यक्रम के लिए 20 लाख रुपए तक चार्ज करती है। सपना की शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें चलती रही हैं। सिंदूर वाली फोटो की वजह से ये कहा जाता है कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन सच्चाई में ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन से ही सपना ने अपने सपनों को साकार करने के लिए जिद ठानी थी। वो सपना जो बचपन में देखा था उसके लिए संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन कामयाबी भी कदम चूम रही है। इस कामयाबी की बदौलत सपना बिग बॉस के घर में गयी है। बिग बॉस के घर में जाने से पहले उन्होंने फेसबुक में एक वीडियो शेयर करके लोगों से सपोर्ट की मांग की थी। नमस्कार, आप सभी को पता है बखूबी मैं आपकी अपनी सपना चौधरी, हरियाणवी एक छोटी सी कलाकार हूँ। सभी कलाकारों की जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपके बीच में से एक छोटी सी कलाकार उठकर मैं बड़े मुकाम पर गई है तो आप सभी मुझे जिताने का पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और आप सभी से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मेरी अकेले की जीत मेरी नहीं होगी, आप सभी की होगी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुर्जर समाज ने मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। और अब जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी पब्लिक है, जितने भी मेरे फैंस हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वोट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। सपना मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बेटा ही परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। सपना चौधरी किसी बेटे से कम नहीं है। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद सपना अपने हुनर के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही है। बिग बॉस के हर अपडेट और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।